अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तारिक। मैं आज मौजूद हूँ माहिर स्टेडियम जंग। तो आज हम आपको स्पोर्ट कम्प्लेक्स का स्टेडियम का विज़िट करवाएंगे और इसके बारे में मालूमात देंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको इसके बारे में मालूमात और विज़िट करवाते हैं। में इसकी बुनियाद रखी गई और 2010 में जिमनेजियम का सिस्टम इसका बनाया गया। 2019 में जो हमारे स्पोर्ट्स वजीर हैं राय तैमूर भट्टी साहब, उन्होंने जिम का इफ्तिताह किया और इसको जो मुकम्मल एक्सेसरीज इसके लिए होती हैं वो उन्हें अवेल की। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनने से पहले यहाँ पर मेला मवेशी मंडी लगाया जाता था और जश्न बहारा लगाया जाता था। इसके साथ स्पोर्ट कम्प्लेक्स के साथ ही वो सामने एक माहिर ग्राउंड बना हुआ है जो कि बिल्कुल खाली है, जो कि ज़िला कौंसिल के कंट्रोल में है। जी नाज़रीन, ये वो ग्राउंड है जहां पर फुटबॉल और क्रिकेट का मैच खेला जाता है। ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स का ही हिस्सा है जो कि स्टेडियम भी कहा जाता है और स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो चूंकि ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है लेकिन ग्राउंड सारा एक ही बनता है, तो उन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट के लिए अलग कर दिया है और म्यूजियम का हिस्सा जो है वो अलग कर। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इमरान खान साहब तशरीफ ले आए थे वज़ीर आज़म बनने से पहले, जो उन्होंने जलसा किया था। जी नाज़रीन, तो ये है स्पोर्ट कम्प्लेक्स का अंदर का हिस्सा जहाँ पर बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेला जाता है। का ऑफिस और ये है डीएसओ का ऑफिस। जी नाज़रीन, अब हम आपको ले चलते हैं जहां पर जिम का बना हुआ है सारा सेटअप। सलाम जी, क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। आप यहाँ पे जिम में कितने अरसे से? मुझे एक साल हो रहा है। 2019 में इसका राय तैमूर भट्टी साहब ने इफ्तिताह किया था। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 है, माहाना फ़ीस 500। तो टाइमिंग इसकी सुबह 5 से 10 और शाम को 5 से 10। और नाज़रीन, ये है गर्ल्स का जो जिम है वो उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। के अंदर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जहां पर ऑडियंस बैठती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी इवेंट होता है, सरकारी या प्राइवेट कोई भी इवेंट होता है तो यहीं पर होता है। और पिछले दिनों हमारे जो पाकिस्तान के नामवर सिंगर थे सहर अली बग्गा, वो इधर ही आए थे और यहां पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की थी।
पीछे की तरफ हम आ रहे हैं। और ये कुछ खास रूम्स बनाए गए हैं जो कि आने वाले खिलाड़ियों के लिए रेस्ट के लिए बनाए गए हैं, और जहाँ पे वो स्टे भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं।